कैसे बच्चों? गुड मॉर्निंग। संस्कृत में आज हम चित्र कहानी 3 तो ये हम देखने वाले हैं। बच्चों इसके पहले चित्र कहानी 1 और 2 ये दोनों हमने देख लिए, लेकिन थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों चित्र कहानी 1 में हमें जितने भी शब्द दिए थे वो सारे शब्द पुल्लिंग बराबर। चित्रपदानी 2 उसमें हमें सारे भी शब्द दिए हैं, जितने भी शब्द दिए हैं वो सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम आए हैं चित्रपदानी 3 में और उसमें जितने भी हमें शब्द दिए हैं वो सारे शब्द नपुंसकलिंग है। लेकिन वो नपुंसकलिंग शब्द हम कैसे पहचानेंगे वो भी हम देखेंगे, बराबर है। तो पहले जितने शब्द है वो हम रीड करेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग देखेंगे और मीनिंग देखने के बाद हम उसको कैसे पहचानेंगे ये नपुंसकलिंग शब्द है यानी कि न्यूटर वर्ड्स वो भी हम देखेंगे। ओके बच्चों, पीरियड के अंत में मैं आपको जो बॉक्स भेजूंगा वो आपको नोट पर लिखना है, बराबर। ध्यान से देखें बच्चों, चित्र बनाने से पहला हमें शब्द दिया है रत्नम, छत्रम, पुष्पम, उरुकम, धनम, पुस्तकम। लसुनम, सीमा नियंत्रम, विमानम, लोकयानम, कृष्ण फलकम और लास्ट में है सकटम। बच्चों ये सारे शब्द नपुंसकलिंग शब्द हैं। अभी आगे देखते हैं, बच्चों चित्र बनाने के लिए जितने भी शब्द दिए वो सारे शब्द के पीछे देखो म म म आता है, बराबर। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर देना टेक्स्ट बुक में। अभी देखते हैं कि रत्नम यानी कि उसका इंग्लिश होगा ज्वेल। अभी हम संस्कृत में पूछेंगे कि भाई क्या है एतत् किम, तो नपुंसकलिंग शब्द के लिए हमें एतत् यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एतत् किम यानी कि व्हाट इज दिस, क्या है, तो एतत् रत्नम दिस इज अ ज्वेल। सेकंड नंबर छत्रम यानी कि अम्ब्रेला। एतत् किम, व्हाट इज दिस, तो एतत् छत्रम दिस इज एन अम्ब्रेला। पुष्पम यानी कि फ्लावर। एतत् किम, व्हाट इज दिस, तो एतत् पुष्पम दिस इज अ फ्लावर। उरुकम यानी कि ट्राउजर्स। बच्चों एतत् किम, व्हाट इज दिस, एतत् उरुकम दिस इज अ ट्राउजर्स। धनम यानी कि मनी। एतत् किम, व्हाट इज दिस, एतत् धनम दिस इज अ मनी। पुस्तकम यानी कि बुक। एतत् किम, व्हाट इज दिस, एतत् पुष्पम। बच्चों यहाँ पे पुस्तकम दिस इज अ बुक। सेवन नंबर पे है लसुनम यानी कि गार्लिक। तो एतत् किम, व्हाट इज दिस, एतत् लसुनम यानी कि दिस इज अ गार्लिक। एट नंबर पे है सीमा नियंत्रण यानी कि सीम मशीन। तो एतत् किम, व्हाट इज दिस, तो एतत् सीमा नियंत्रण यानी कि दिस इज अ सीम मशीन। आगे देखिए बच्चों, 9 नंबर पे विमानम, तो उसके भी शब्द के अंत में म आएगा, बराबर। तो विमानम यानी कि एरोप्लेन। तो एतत् किम, व्हाट इज दिस, एतत् विमानम दिस इज एन एरोप्लेन। लोकयानम यानी कि बस।
तो बच्चों चित्र बजाने थ्री में हमने देखा है कि जितने भी शब्द हमें दिए हैं उसके अंत में म आता है, बराबर। अभी बच्चों देखो, पहले तीन शब्द तो रत्न में भी म आया, बराबर। हमने देखा कि भाई नपुंसकलिंग शब्द है सारे न्यूएडर वर्ड्स, लेकिन कैसे पहचाने हैं? तो छत्र में भी म आया, पुष्प में भी म आया, इसमें भी म, म धर्म में, पुस्तक में भी म। तो बच्चों म तो आया है, म अकेला नहीं है, उसके साथ अस बराबर है। तो लास्ट में ऐसा आएगा, म आएगा रत्नम, छत्रम, पुष्पम, उरुकम, धनम, पुस्तकम। तो ऐसे हम पहचान सकेंगे ये शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, न्यूएटर वर्ड्स है। बच्चों